ग्राम पंचायत खेरवास के रोजगार सहायक का हुआ था अपहरण, पुलिस ने किया मामला दर्ज। खेरवास गांव के रहने वाले रोजगार सहायक के साथ मारपीट कर बंदूक की नोक पर कर लिया गया था अपहरण। अपहरणकर्ता दीपक यादव, मंगल यादव रोजगार सहायक के परियोजनाओं से फिरौती की रकम वसूल करना चाहते थे। जब इस बात की जानकारी भाजपा नेता पंजाब सिंह यादव को लगी तो उन्होंने अपहरणकर्ता दीपक यादव से मोबाइल पर बात की। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने रोजगार सहायक बलराम शर्मा को कमलेश्वर के जंगल में छोड़ दिया। बलराम शर्मा ने पिछोर थाने में अपहरण की जानकारी दी। पुलिस ने दीपक यादव, मंगल यादव पर अपहरण का मामला दर्ज किया। बलराम शर्मा ने मीडिया को बताया है कि पंजाब सिंह यादव के सहयोग से मैं आज जिंदा हूँ। अपहरणकर्ता मुझे भिंड मुरैना ले जाना चाहते थे। दीपक यादव और मंगल यादव के साथ अन्य लोग भी शामिल थे जिन्हें मैं नहीं पहचान पाया। अपहरणकर्ताओं ने मुझे धमकी दी, अगर मैं थाने में रिपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से खत्म कर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे और मुझे इंसाफ दे। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। बलराम शर्मा। बलराम शर्मा जी, आपका अपहरण हुआ था, कैसे आप अपहरणकर्ताओं से छूट गए? मेरा अपहरण ग्राम पंचायत काली पाड़ी से हुआ, प्रतीक्षालय से। मुझे वहां पे मारपीट की दीपक यादव, मंगल यादव ने, और मुझे बंदूक की नोक पर मुझे गाड़ी में डाल ले गए। तीन स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें मुझे पटक कर ले गए और मुझे झांसी तरफ ले जा रहे थे। बीच बीच में एक दो गाड़ियां लगती जा रही थी पीछे, तो झांसी के आसपास पहुंचते ही बोले इनको गाड़ियों में शिफ्ट किया जाए, दूसरी गाड़ी में इनका मुंह बांधो और पैर बांधो, दूसरी गाड़ी की डिग्गी में डाल दो और इनके लिए भिंड मुरैना साइड छोड़िए। और जब तक इनके उनके पास मेरे रिश्तेदारों द्वारा श्री पंजाब सिंह यादव जी का फ़ोन आ गया तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की, मुझे मेरा सहयोग किया और आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ श्री पंजाब सिंह यादव जी की वजह से बैठा हूँ। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही अपहरणकर्ताओं ने कहाँ छोड़ा मेरे लिए? अपहरणकर्ताओं ने फिर जैसे ही उनका फ़ोन आया भाई साहब जी का, पंजाब सिंह जी का, तो उन्होंने मुझे जल्दी गाड़ी रिवर्स की और उन्होंने कहा कहाँ से इनको उठा लाए हैं, जल्दी इनको वापस करो, और वो मुझे कमलेश्वर मंदिर के जंगल में छोड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया? हाँ, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मैं पंजाब सिंह यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो उनकी वजह से हूँ। सर, एक मामला सामने आया था जहाँ एक रोजगार सहायक का अपहरण का मामला है, क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कल फरियादी बलराम शर्मा हैं जो रोजगार सहायक हैं ग्राम खैरवास में, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि शाम को 7 बजे मंगल यादव निवासी कोटरा और दीपक यादव निवासी विजयपुर, ये दोनों दो गाड़ियों में 5-6 लोगों के साथ आए थे। पहले उन्होंने फ़ोन से भी चर्चा की थी इनसे, उसके बाद आए थे और आके फिर इनको जो है अपने गाड़ी में पकड़ करके रक्षा तरफ ले गए। उसके बाद इनको इन्होंने यहाँ कमलेश्वर पर छोड़ दिया था। तो इन दोनों के खिलाफ, अन्य 6 खिलाफ धारा 365 का मामला दर्ज किया गया है और जो भी विवेचना में पहलू आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया या फरार है? नहीं, अभी ये लोग मिले नहीं है, ये कह रहा हूँ ले गए फिर छोड़ गए उसको वहाँ, तो इनका हो सकता है कोई वैसा ही मामला हो। सब विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।